हे गाइस, इट्स मानिक हियर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम हाई वोलेटिलिटी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड गाइस, वोलेटिलिटी मेरे हिसाब से दो टाइप्स के होते हैं, यानी ये सिर्फ मेरे टाइप से आप बोल सकते हो, मैंने ही क्रिएट किया है, ऐसे कुछ किधर भी लिखा नहीं है कि ऐसे टाइप्स ही होते हैं। बट आई फील कि फर्स्ट टाइप ऑफ वोलेटिलिटी ये होता है कि यार लो प्रीमियम्स है और काफी ज्यादा मूव है, रिलेटिव मूव काफी ज्यादा है। यानी आपको ये दिखा होगा कि लास्ट ईयर जब भी ऑलमोस्ट निफ्टी हाफ हो गया था, 50% गिर गया था, विक्स शॉट अप थ्रू द रूफ एंड हमें ऑलमोस्ट 80 लेवल्स दिख रहे थे इंडिया विक्स में, राइट? सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई थी, प्रीमियम्स भी काफी बढ़ गए थे एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबली सो। वाई? बिकॉज इंडिया विक्स हैज गॉन अप टू 80 लेवल्स, जो ऑलमोस्ट कभी भी हमें देखने को नहीं मिला था। एंड देयर वाज अ रैपिड फॉल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड वेरियस स्टॉक्स एज वेल, एंड डेफिनेटली इंडिया विक्स बहुत बढ़ गया था, प्रीमियम भी बढ़ गए थे। जैसे मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी वॉज मूविंग अराउंड थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स इन अ सिंगल डे, एंड ये ऑलमोस्ट एवरी डे हो रहा था फॉर द फॉलोइंग 2 to 3 months, राइट? सो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ वोलेटिलिटी। एंड सेकंड टाइप ऑफ वोलेटिलिटी इन माय ओपिनियन इज दैट जब भी वोलेटिलिटी राइज हो रहा है, यानी जब भी आपको डाउन मूव दिखता है तभी आपको दिखेगा कि इंडिया विक्स इज राइजिंग 8 to 10% इन अ डे। जैसे मैं अभी की बात करूं गाइस, तो मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड लास्ट वीक देर वॉज 2 days ऑफ ब्रूटल फॉल इन निफ्टी एंड काफी ज्यादा निफ्टी गिर गया था, ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स विद इन जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 days। एंड इंडिया विक्स आपको दिखा था कि 8 to 10% हमें राइज देखने को मिला था इंडिया विक्स में, तो डेफिनेटली उसमें प्रीमियम्स ऑब्वियसली थोड़े से इन्फ्लेट हो गए थे, इसलिए ही इंडिया विक्स भी राइज हुआ। पुट्स तो ऑब्वियसली बड़े होंगे बिकॉज ऑब्वियसली एक डाउन मूव में पुट्स बढ़ते हैं। एंड सेम वेज अगर आप कॉल्स की बात करोगे तो कॉल्स गिर रहे नहीं थे, यानी इतने ज्यादा रिलेटिवली नहीं गिर रहे थे एज कम्पेयर टू जितने पुट्स बढ़ रहे थे। एंड ऑब्वियसली सो अगेन बिकॉज इंडिया विक्स वॉज राइजिंग, तो ओवरऑल प्रीमियम्स भी राइज होंगे। सो ये थे 2 types ऑफ वोलेटिलिटी इन माई ओपिनियन। फर्स्ट, अगेन जब भी लो प्रीमियम्स है बट मूव थोड़ा सा ज्यादा है, एंड सेकेंड जब भी प्रीमियम्स भी बढ़ रहे हैं एज वेल एज वोलेटिलिटी भी बढ़ रहा है। तो हम इन दोनों को कवर करेंगे कि इन दोनों सिचुएशंस में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइस, अगेन व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एक ट्रेडिंग सेशन पहले यानी फ्राइडे को आपने देखा होगा कि अराउंड 5 to 6 seconds में ही हमें 300 पॉइंट्स का डाउन मूव दिखा था इन बैंक निफ्टी, विच इज अ ह्यूज अमाउंट बिकॉज ये ऑलमोस्ट 1% का मूव होता है इन बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी अराउंड 34,000-35,000 चल रहा है। तो 1% मूव जस्ट इन अ मैटर ऑफ 5 to 6 seconds इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। एंड आपने ये भी देखा होगा कि पुट ऑप्शन जस्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स 3x या 4x हो गए, स्पेशली अगर आप OTMs की बात करो तो काफी जल्दी से उनमें हमें एक इंक्रीज देखने को मिला था। सो गाइस, देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस, एंड स्पेशली अगर आप विदाउट SL ट्रेड करते हो दैट इज समथिंग यू शुड रीकंसिडर। एंड स्पेशली गाइस, अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी लेते हो इंट्राडे में ट्रेड करते हो, यू शुड ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन अगर आपका कोई ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है SL मॉडिफाई करने को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस, आउट ऑफ रेंज एग्जीक्यूशन एरर की वजह से कभी कभी स्टॉप लॉसेस भी जंप हो सकते हैं। यानी लेट्स से कि आपने 100 rupees पे SL रखा है और आपका एंट्री था मे बी 80 rupees पे, आपने ऑप्शन सेल किया था, कभी कभार क्या होगा कि 100 rupees पे वो प्राइस आएगा ही नहीं, सीधा 150 पे चले जाएगा या 130 पे चले जाएगा, एंड मे बी उस ऑप्शन का जो रेंज था वो सिर्फ 120 तक था, तो वो ऑप्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यानी वो आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड डायरेक्टली ऑप्शन विल जंप टू 130। तो अगर आपका ऑप्शन वो आउट ऑफ रेंज चले गया, आपको लॉसेस थोड़े से ज्यादा सहन करने पड़ेंगे बिकॉज आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट ही नहीं होगा। सो डेफिनेटली आपको सिस्टम के सामने रहना चाहिए टू वेरीफाई दैट कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आप इमीजिएटली मैन्युअली आप एग्जिट कर सकते हो। थोड़ा सा अगर स्टॉप लॉस आपको ज्यादा देना पड़ रहा है दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम आई फील, बिकॉज ये बहुत बड़ा अगर ट्रेंड हो गया तो आपका ऑप्शन काफी जल्दी 3x, 4x या 5x भी हो सकता है। सो डेफिनेटली गाइस, इसको कॉम्बैट करने के लिए हमको या तो स्टॉप लॉस का यूज करना पड़ेगा अगर आप नहीं कर रहे हो ऑलरेडी, और लेट्स से कि अगर आप स्टॉप लॉस का यूज कर भी रहे हो तो आउट ऑफ रेंज एग्जीक्यूशन एरर की वजह से आपको सिस्टम के सामने थोड़ा टाइम तो रहना ही पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आ सकता है आपको कि यार अगर आपका स्टॉप लॉस जंप हो गया एंड आप सिस्टम के सामने नहीं हो, मे बी यू आर डूइंग समथिंग एल्स, एंड ऐसा कुछ हो जाता है मे बी सडन 5-6% का डाउन मूव अगर आ गया तो काफी आपका अकाउंट को हर्ट कर सकता है ये चीज। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वोलेटिलिटी को कॉम्बैट करना, यानी प्रीमियम्स काफी कम है आपको दिख रहा होगा एंड मूव्स काफी ज्यादा हो गए थे, यानी 5 to 6 seconds में 1% का डाउन मूव इन बैंक निफ्टी इज अ प्रीटी ह्यूज अमाउंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ वोलेटिलिटी और इसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं। यानी अगर डाउन मूव आता है और कॉल्स गिर नहीं रहे, पुट्स तो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, तो इस केस में हम इसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं। सो गाइस, इसको मैं इंट्राडे ट्रेडर्स एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एड्रेस करूंगा। सो इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हो और आपको दिख रहा है कि एक मैसिव डाउन मूव आ गया, यानी अभी के केस में 2 to 3% डाउन मूव इज कंसिडर्ड एज अ मैसिव डाउन मूव, स्पेशली बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ,
तो आपको ये दिखेगा कि पुट्स तो डेफिनेटली बढ़ेंगे बिकॉज देर इज अ ऑब्वियस डाउन मूव, बट आपको ये भी दिखेगा कि कॉल्स रिलेटिवली इतने जल्दी घटते नहीं है, यानी डाउन मूव कॉल्स में नहीं आता है इन स्पाइट ऑफ अ डाउन मूव इन प्राइसेस। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं गाइस, आप नेक्स्ट टाइम ये नोटिस करना गाइस, अच्छा खासा जब भी एक डाउन मूव आता है और आपको जब भी रिट्रेसमेंट मिलता है, यानी लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 500 पॉइंट्स का डाउन मूव आ गया इन मॉर्निंग सेशन बैंक निफ्टी में, एंड लेट्स से कि अगेन एक 100 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट आ गया, विच इज प्रेटी कॉमन, आपको दिख रहा होगा कि जब भी डाउन मूव आता है थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग जरूर आता है, एंड देन अगर वापस ट्रेंड को एस्टैब्लिश हो रहा है देन वापस एक डाउन मूव चालू होगा। सो जब भी वो पुल बैक आता है गाइस, जब भी आपको दिख रहा होगा कि कॉल्स बहुत थोड़े से बढ़ते हैं या बिल्कुल भी नहीं बढ़ते एंड ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं, यानी 100 पॉइंट्स के अगर मूव को भी हम देखें तो भी कॉल्स इतने रिलेटिवली ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। एंड उसके बाद होता क्या है गाइस कि जब भी 500 पॉइंट्स का हमें डाउन मूव दिखा, 100 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट दिखा, जैसे मैंने आपको बताया कॉल्स इतने ज्यादा बढ़ेंगे नहीं कंपैरेटिवली, एंड जब भी नेक्स्ट लेग आता है डाउन मूव का तभी कॉल्स ऑलमोस्ट क्रैश हो जाएंगे। तो आपको यही चीज नोटिस करनी है, अगेन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो वो रिट्रेसमेंट के बाद अगर आपको दिख रहे हैं कि कॉल्स इतने ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं तो यू शुड बी रेडी टू शॉर्ट ऑप्शंस, और आपके पास एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, या अगर आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो आप डेफिनेटली इसको अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट अ इंट्राडे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, तो मैं ये चीज नहीं करता हूं, बट दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड अलॉट। तो अगर आप एक इंट्राडे में डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हो डेफिनेटली यू कैन नोटिस दिस, और जब भी वो रिट्रेसमेंट आता है अगेन डाउन मूव जब भी आने वाला होता है, मे बी आप कुछ भी अपना पैरामीटर्स यूज कर सकते हो, चाहे आप वो इंडिकेटर्स यूज करो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करो, या इवन ऑप्शंस चार्ट पे अगर आप RSI यूज करते हो या VWAP यूज करते हो तो आपको डेफिनेटली इसका हेल्प जरूर मिलेगा कि रिट्रेसमेंट के बाद काफी अच्छा हमें फॉल देखने को मिलता है इन ऑप्शंस। सो इसका डेफिनेटली आप एडवांटेज उठा सकते हो। एंड अगर हम पोजिशनल ट्रेडर्स की बात करें गाइस, तो आप पोजिशनल ट्रेडर अगर आप हो तो डेफिनेटली वो रिट्रेसमेंट में आप पोजिशनल ऑप्शंस भी सेल कर सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगेन आपको ये दिखा होगा कि कॉल्स रिलेटिवली इतने घटे नहीं है, तो अगर अपमूव भी आता है लेट्स से कि मार्केट क्लोज हो गया, वो रिट्रेसमेंट में ही मार्केट क्लोज हो गया, एंड विक्स काफी बड़ा हुआ है 8-10% अगर हम एग्जाम्पल ले, सो 10% विक्स राइज अराउंड 400-500 पॉइंट्स ऑफ डाउन मूव इन बैंक निफ्टी, और आपको ये दिखाई कि यार कॉल्स इतने ज्यादा नहीं गिरे हैं, आपने ऑप्शंस घर पे लेके गए, आपने कॉल शॉर्ट किया। सो गाइस इस केस में क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी डाउन मूव आता है नेक्स्ट डे पे, अगेन आपको देखेगा कि कॉल ऑप्शंस डेफिनेटली थोड़े से प्रीमियम लेट गो जरूर करेंगे, बिकॉज स्पेशली अगर आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो एवरी डे मैटर्स अलॉट, एंड हर दिन में एक अच्छा खासा हमें डीके देखने को मिलता है, अगर एक दिन नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट डे काफी अच्छा प्रीमियम डीके हमें देखने को जरूर मिल जाएगा। सो अगेन आपने पोजिशन ली, नेक्स्ट डे अगर डाउन मूव आता है आपके फेवर में ही जा रहा है मूव, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, बट लेट्स जस्ट से कि थोड़ा सा अगर माइनर गैप अप भी हो जाता है तो जनरली आपको क्या दिखेगा कि विक्स क्रैशेज अलॉट, यानी 10-12% का अगर अप मूव आया है एक दिन में ही विक्स में, तो डेफिनेटली अगर नेक्स्ट डे थोड़ा सा गैप अप होता है तो आपको देखेगा 3-4% का डाउन मूव तो ओपन में ही आ जाता है इंडिया विक्स में। सो आपको वहां पर अगेन दिखेगा बिकॉज इंडिया विक्स क्रैश हुआ है तो कॉल्स भी क्रैश हो जाएंगे, यानी कुछ ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा ऑन दी अपसाइड। लेट्स जस्ट अज्यूम कि अगर वी शेप रिकवरी नहीं है, थोड़ा सा ही अप मूव अगर हमें देखने को मिला है, थोड़ा सा गैप अप हुआ इंडिया विक्स में, आपको क्रैश देखने को मिलेगा नंबर वन। नंबर टू, इंडिया विक्स क्रैश क्यों हुआ है, बिकॉज प्रीमियम्स हैव ड्विंडल्ड डाउन, यानी प्रीमियम्स क्रैश होंगे तभी ही इंडिया विक्स क्रैश होगा। सो सेकेंडली आपको प्रीमियम्स भी क्रैश हुए दिखेंगे, तो आप अगर स्ट्रैंगल्स लेके गए हो घर पे दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, व्हाई, बिकॉज पुट ऑप्शंस डेफिनेटली अप मूव की वजह से कम हो जाएंगे। सेकेंडली इंडिया विक्स भी डाउन है तो ओवरऑल स्ट्रैंगल आप बोल सकते हो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अनदर स्ट्रैटेजी यू कैन यूज एज अ पोजिशनल ट्रेडर इज जेड लिजर्ड। तो जेड लिजर्ड में बेसिकली क्या होता है गाइज, आपको नेकेड कॉल ऑप्शन सेल करना है एंड एक पुट स्प्रेड सेल करना है, यानी पुट में आप क्रेडिट स्प्रेड लोगे एंड कॉल आप नेकेड शॉर्ट करोगे। एंड जनरली हमारी कोशिश ये होती है कि जितना मैक्स लॉस है हमारे पुट स्प्रेड में उतना हम प्रीमियम्स कलेक्ट करें कॉल्स में, ताकि अगर एक मैसिव डाउन मूव भी आ जाता है तो भी आप प्रोटेक्टेड हो एंड यू विल स्टिल बी इन सम प्रॉफिट। एंड लेट्स से कि आपके फेवर में जाता है पोजीशन, एंड लेट्स से कि एक साइडवेज मूवमेंट आ जाता है, तो आपको वो पुट स्प्रेड में भी प्रॉफिट होगा एज वेल एज कॉल सेल में भी आपको प्रॉफिट जरूर होगा। सो इस केस में जेड लिजर्ड इज अ प्रीटी गुड ऑप्शन इन माय ओपिनियन। अगर आपका व्यू साइडवेज है, लेट्स से कि आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा डाउन मूव आया बैंक निफ्टी में, लेट इट बी 500 पॉइंट्स, 600 पॉइंट्स, बट आपको लग रहा है कि यार अच्छा खासा सपोर्ट पे बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट किया है, एंड लेट्स से कि आपका ये व्यू बन रहा है कि यार ये सपोर्ट पे थोड़ा सा रेस्ट करेगा मार्केट एंड 2-3 डेज का हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया जेड लिजर्ड विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज अगर सपोर्ट टूट भी गया तो भी आपको माइनर प्रॉफिट तो होने ही वाला है कॉल सेल की वजह से, एंड अगर साइडवेज चलेगा मार्केट जो आपका ओरिजिनल व्यू है वो राइट निकल गया तो आपको पुट स्प्रेड में भी पैसा मिलेगा एज वेल एज कॉल सेल में भी पैसा मिलेगा। सो डेफिनेटली गाइज जेड लिजर्ड एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है ट्राई आउट करने के लिए, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिलता है कि आपका व्यू साइडवेज है एंड एक विक्स में आपको राइज देखने को मिला है,
तो आप डेफिनेटली वीकली ऑप्शंस या नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस यूज करके इसका फायदा उठा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है एंड आपके लिए लिटरली सिर्फ 2 सेकंड का काम है। और अगर आपको जेड लिजर्ड के बारे में और भी जानना है तो आपको यहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाके जेड लिजर्ड का भी वीडियो देख सकते हो, तो आपको एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा जेड लिजर्ड के बारे में। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।